सो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, नाउ नीट में ये काफी वेटेज रखता है, इवन आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी, क्लास 12 में भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, फटाफट हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम लोग इसका ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, ओवरव्यू लेंगे पूरा, ऑल टुगेदर ये होता क्या है, पूरा इवेंट्स होता क्या है। ठीक है, नाउ देखें, जो ह्यूमन है, आप रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पढ़े हैं, दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल होता है, एक सेक्सुअल होता है। लेकिन ह्यूमन जो होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है। एनसीईआरटी में पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है, ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड वीविपेरस। ठीक, एंड वीविपेरस, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड वीविपेरस, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है और वीविपेरस है ना। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का मतलब होता है गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। नाउ वीविपेरी का मतलब क्या होता है, वीविपेरी का मतलब होता है फीटस का डेवलपमेंट, यस, मदर के बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वीविपेरी। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे वीविपेरी। वीविपेरी जर्मिनेशन आपने प्लांट में भी पढ़ा है, मैनग्रोव फॉरेस्ट में भी पढ़ा है। ठीक है, नाउ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का मतलब क्या है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मतलब होता है दो इवेंट होगा। ठीक है, एक होता है गैमेट फॉर्मेशन एंड दूसरा होता है सिंगेमी, दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट। ओके, नाउ जरा देखिए, गैमेट फॉर्मेशन को हम लोग टेक्निकली, इसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोजिनेसिस, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फ्यूजन ऑफ गैमेट को हम लोग बोलते हैं सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन, सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन। नाउ जरा एक बात ध्यान दीजिए, ह्यूमन जो डिप्लॉइड होता है, जो प्रोजेनी होगा, जो बच्चा होगा या जो चाइल्ड होगा, वो भी डिप्लॉइड होना चाहिए। दैट मीन्स गैमेटोजिनेसिस में दो स्टेप होगा, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर गैमेट बनेगा, मेल और फीमेल दोनों के अंदर गैमेट बनेगा। मेल के अंदर जो गैमेट बनता है उसका नाम है स्पर्म, फीमेल के अंदर जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ऊसाइट या ओवम, आप बोल सकते हैं। नाउ तो ये जो मेल गैमेट बन रहा है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजिनेसिस। कहां पे होता है भाई साहब, ये टेस्टिस में होगा, स्पर्मेटोजिनेसिस में होगा। फीमेल में जो स्टेप है, प्रोसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं ऊजिनेसिस। और ये जो ऊजिनेसिस का स्टेप कहां पे होता है, ओवरी में होता है। नाउ जरा एक बात देखिए, जब मेल और फीमेल दोनों गैमेट बन जाएंगे, दैट मींस मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास जाना होगा, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास जाना होगा। ओके, दैट मींस ये जो है मेल गैमेट जो फीमेल गैमेट में जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इनसेमिनेशन, दिस इज कॉल्ड एज इनसेमिनेशन। सो इनसेमिनेशन का मतलब हो गया यस, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इन वेजाइना ऑफ फीमेल या फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, यस, गैमेट का ट्रांसफर हो गया। इस तरह से गैमेट का क्या होगा, ट्रांसफरेशन, उसको जाएंगे बोलेंगे इनसेमिनेशन। नाउ अगर फीमेल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इस तरह से यूट्रस होता है और इस तरह से फलोपियन ट्यूब होगा। इसका डिटेल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ ओवरऑल देख रहे हैं। ठीक है, नाउ यहां पे भी इस तरह से होगा, यस, फलोपियन ट्यूब,
नाउ फलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म जो है यस वेजाइना के थ्रू तैरते 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 फलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। नाउ फलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म और एग मिलेंगे। यस स्पर्म और एग मिलेंगे, जब स्पर्म और एग मिलेंगे तो क्या होगा, बोलिए सिंगेमी होगा। नाउ ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। तो देखें स्पर्म और ओवम दोनों मिलकर क्या बना दिया है, दोनों मिलकर क्या बना दिया है जाइगोट। स्पर्म और ओवम दोनों मिलकर क्या बना दिया है, बोलिए जाइगोट। अब ये जाइगोट जो होगा, वो डिवाइड कर करके एम्ब्रायो बनाएगा। डिवाइड कर करके एम्ब्रायो बनाएगा। नाउ ये जो एम्ब्रायो वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। दिस इज कॉल्ड एज, वैसे बहुत सारे स्टेजेस होते हैं ठीक है, पर इंट्रोडक्शन ब्लास्टोसिस्ट का नाम ही रखा गया है एनसीईआरटी में, तो हम ब्लास्टोसिस्ट ही ले रहे हैं। नाउ ये ब्लास्टोसिस्ट आके यूटरस में एक प्रॉपर जगह पर आके अटैच हो जाएगा। नाउ ये देखें, ये जो है एक प्रॉपर जगह पे आकर अटैच हो जा रहा है। नाउ ये जो प्रॉपर जगह पे जो अटैच हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। दैट मीन्स इम्प्लांटेशन का मतलब क्या हो गया? अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेराइन वॉल। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेराइन वॉल इज नोन एज व्हाट, इम्प्लांटेशन। ना अब देखें, जब इम्प्लांटेशन हो गया अब ये धीरे धीरे फर्दर और डेवलपमेंट करेगा, ये फर्दर और ग्रो करेगा, ये पूरा फीटस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ठीक है। जब ये कंप्लीटली डेवलप्ड फीटस हो जाएगा, जो टाइम पीरियड लगता है आप सबको पता है, इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ओके, ना एक बात और ध्यान दीजिए, ये ड्यूरेशन अप्रॉक्स नाइन मंथ होता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं गेस्टेशन पीरियड ठीक है। नाउ अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमन क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है और वीबी पेरी है ठीक है। नाउ गैमेट फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सिंगेमी बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, ओजेनेसिस होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होगा, टेस्टिस में होगा, स्पर्म बनेगा, यहाँ पे ओवम बनेगा, ओवरी में होगा, ओजेनेसिस बोलेंगे। नाउ मेल से फीमेल में ट्रांसफर होगा, दैट इज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन होने के बाद जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट जो है आके अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद ये पूरा डेवलप होगा, दैट पीरियड ऑफ डेवलपमेंट वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, और ह्यूमन के केस में ये ड्यूरेशन 9 मंथ का होता है, आप सबको पता है। नाउ आफ्टर द कंप्लीट डेवलपमेंट मैं इसको हटा रहा हूं, आप नोट डाउन कर लिए होंगे। नाउ आफ्टर द कंप्लीट डेवलपमेंट ये जो बच्चा डेवलप हो चुका है, जो फीटस फुल्ली डेवलप्ड हो गया है, नाउ फुल्ली डेवलप्ड फीटस, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एक्सपेल्ड आउट ऑफ यूटेरस, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, बर्थ हो गया है। ओके, नाउ अब देखें एक बात ध्यान दीजिएगा, बच्चे को न्यूट्रिशन किससे मिलता है, मदर से मिलता है। तो
और मदर और बच्चे के बीच में कनेक्शन जो होता है बाय मीन्स ऑफ प्लासेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, ठीक है। नाउ ये बच्चा तो डिलीवर हो गया, बाद में डॉक्टर्स अम्बिलिकल कॉर्ड को पकड़कर प्लासेंटा को बाहर निकालते हैं। जो एक्सपल्शन ऑफ प्लासेंटा हो रहा है उस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं आफ्टर बर्थ, सो आफ्टर बर्थ क्या हो गया? यस, एक्सपल्शन और रिमूवल ऑफ प्लासेंटा इज नोन एज यस आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो ये जो है आपका यहां तक कंसेप्ट हुआ, यस ओवरव्यू हमने ले लिया। नाउ अब हम लोग आ गए हैं मेल रिप्रोड्यूस सिस्टम में, ठीक है। हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे, एक बार मेल रिप्रोड्यूस सिस्टम फिर फीमेल रिप्रोड्यूस सिस्टम, ओके। नाउ मेल रिप्रोड्यूस सिस्टम की अगर हम बात करें, ठीक है, जरा सा हम आपको डिटेल में इसको समझाते हैं। ओके, नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके, नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें, ब्रॉडली जो है दो ग्रुप में डिवाइडेड है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। एक है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी, दूसरा है आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है उसका क्या काम होता है? यस गैमेट फॉर्मेशन। दैट मीन्स जो गैमेट फॉर्म करेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या? यस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओके। मेल के केस में ये जो है ऑर्गन वो है आपका टेस्टिस। ओके, नाउ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इसको हम लोग बोलते हैं गोनड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका टेस्टिस। देखें टेस्टिस का जो काम है वो दो काम है। एक तो गैमेट फॉर्मेशन, दूसरा हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। दो काम है, एक तो स्पर्म बनाएगा, दूसरा ये टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। नाउ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में वो सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे जो कि ट्रांसपोर्ट एंड मैचुरेशन ऑफ गैमेट में हेल्प करेंगे। नाउ ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है इसको हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका डक्ट सिस्टम एंड दूसरा है आपका ग्लैंड्स। नाउ डक्ट सिस्टम में देखिए क्या क्या है, ठीक है, बहुत सारा डक्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं एसेसरी डक्ट्स। इसको डिटेल में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। वास डिफरेंशिया है, ठीक है, एपिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, एजेकुलेटरी डक्ट है, यूरेथ्रा है, ठीक है। नाउ ग्लैंड्स में जो होता है, पीएससी आप याद रख सकते हैं, ट्रिक है हमारा पीएससी। पी से हो जाएगा
प्रोस्टेट, एस से हो जाएगा सेमिनल वेसिकल, सी से हो जाएगा कॉपर्स, सी से हो जाएगा आपका कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो ये ओवरऑल व्यू है आपका, ओवरऑल व्यू है अबाउट आपका यस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को, प्राइमरी का क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट फंक्शन होगा, यस हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, सेकेंडरी जो होगा ट्रांसपोर्ट एंड मैच्योरेशन ऑफ गैमेट में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट एंड मैच्योरेशन ऑफ गैमेट में हेल्प करेगा। नाउ जरा हम ओवरव्यू देखते हैं, ये जो सामने से जो व्यू है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो व्यू आपके सामने है। ठीक है, ये आपका टेस्टिस है, वन पेयर रहता है। ठीक है, और फिर अभी इसका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये आप देख रहे हैं जो वास डिफरेंस गया है, ठीक है, हुक करके, ये देखें ये पोस्टीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है, दैट मीन्स आदमी जो है ऐसे खड़ा है। ठीक है, ये पोस्टीरियर व्यू है, ये सामने से हुक कर पीछे कर आया है, और ये आपको देखिए दो सेमिनल वेसिकल्स दिख रहा है, दिस इज व्हाट प्रोस्टेट, और ये आपका क्या है, यस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ अब इस तरह से व्यू आप देखिए, अगर इस तरह से कट करके व्यू दिखाया जाए वो व्यू ये आता है। ठीक है, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, पीछे सैक्रम आ गया है, ये आपका यस एलिमेंट्री कैनाल है, एनस है। ओके, नाउ एलिमेंट्री कैनाल के सामने, ठीक है, और ये आप देख रहे हो यूरिनरी ब्लैडर। तो यहां से सामने की तरफ से हुक करके पीछे गया है, और ये आपको दिख रहा है दिस इज व्हाट प्रोस्टेट। ठीक है, और ये आपका इजैकुलेटरी डक्ट, और दोनों मिलकर बनाएगा व्हाट, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, दोनों मिलकर बनाएगा क्या, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर यहां पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाया जाएगा और ये पेनिस से बाहर आ जाएगा। ठीक है, नाउ तो ये हुआ आपका ओवरव्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे हम लोग देखते हैं यस डिटेल्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ लेट्स डिस्कस डिटेल्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, नाउ एक एक करके हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये डायग्राम आप ऑलरेडी देख चुके हैं, नाउ थोड़ा डिटेल में इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ यस सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यस स्क्रॉटम का। ये जो स्क्रॉटम है आपका, ये क्या है, इट्स अ आउट पाउचिंग ऑफ एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, और जो टेस्टिस होता है इसी स्क्रोटम में लोकेटेड होता है, जरा ये आप डायग्राम देखिए, ये स्क्रोटम है। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, एब्डोमेन का ही स्किन बाहर निकला हुआ है, बाहर हैंग कर जाता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आउट पाउचिंग ऑफ एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, नाउ अब जरा देखें, हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक लोकेशन ऑफ टेस्टिस। तो भैया टेस्टिस कहां लोकेटेड होता है, स्क्रोटम में। जरा स्क्रोटम का डायग्राम बनाते हैं। ये रहा स्क्रोटम का डायग्राम। ठीक है, नाउ सबसे बाहर वाला जो लेयर होगा वो स्किन होगा, उसके जस्ट नीचे एक मस्कुलर लेयर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डार्टोस मसल्स। नाउ थर्ड, वहीं पे एक और मस्कुलर लेयर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रीमास्टर। अब यहीं पे आपका टेस्टिस जो होगा वो लोकेटेड होगा। नाउ टेस्टिस जो होता है यहां पे एक पैड ऑफ फैट होता है, इसके रेस्टिंग के लिए कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट पैड ऑफ फैट इज कॉल्ड एज ड्यूबरनाकुलम। ठीक है, पहले मसल्स का हम नामकरण कर लेते हैं। ये जो मसल्स है इसको हम लोग बोलते हैं डार्टोस, और ये जो सबसे क्लोज है इसके, इसको हम लोग बोलते हैं क्रीमास्टर। नाउ और ये जो पैड ऑफ फैट है इसको हम लोग बोलते हैं ग्यूबरनाक्यूलम
ये जो पैड ऑफ फैट है, ये जो पैड ऑफ फैट है इसको हम लोग बोलते हैं, ये पैड ऑफ फैट जो है इसको हम लोग बोलते हैं ग्यूबरनाकुलम। ठीक है, ये क्रीमेस्टर हो गया। नाउ अब देखें यहां पे एक ओपनिंग होता है, कैनाल होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंग्विनल कैनाल। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल। नाउ ये जो स्क्रॉटम है आपका, ये दो कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है। ये जो स्क्रॉटम है आपका दो कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है बाय अ पार्टीशन वॉल। बीच में एक पार्टीशन वॉल होता है जिससे ये दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज ये सेप्टम स्क्रॉटी। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सेप्टम स्क्रॉटी। तो सेप्टम स्क्रॉटी की वजह से ये जो स्क्रॉटम है दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया है। स्क्रॉटम जो है वो दो कंपार्टमेंट में आपका डिवाइड हो गया है। ओके, नाउ अब देखें, एक नोट पॉइंट लिखना है व्हाई यस टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रॉटम। ठीक है, देखें फोर स्पर्मेटोजिनेसिस टेम्परेचर रिक्वायर्ड आर अबाउट 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी। बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए हमारे बॉडी से टेस्टिस अवे होता है सो स्पर्मेटोजिनेसिस हो पाए। ओके, नाउ एक बात और आप ध्यान दीजिए, ये जो होता है टेस्टिस डेवलप्स इन एब्डोमेन, ये पेट में टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है, बट डिसेंड्स इनटू टेस्टिस बाय आठवें महीने में इंट्रायूटराइन लाइफ ये डिसेंड कर जाता है, आठवें महीने में ये पेट से यहाँ आ जाता है। नाउ अब कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ये टेस्टिस डिसेंड नहीं कर पाता है, ठीक है, और वो एक बीमारी हो जाती है, दैट डिजीज इज कॉल्ड एज क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्रिप्टो मतलब होता है हिडन, और ऑर्किड मतलब होता है टेस्टिस। दैट मींस यहां पे क्या हो गया, टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड इनटू स्क्रॉटम। एक बात और देखिए, जो स्पर्म जो होता है उसको कैरी करके बाहर ले जाता है कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज यस स्पर्मेटिक कॉर्ड। एक्चुअली वास्ट डिफरेंस होता है, अभी आपको बताऊंगा वास्ट डिफरेंस और स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या डिफरेंस होता है। ये देखिए, जो भी स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो हमारे बॉडी से बाहर पेट में अगेन फिर जाता है और फिर यूरेथ्रा में आता है बाय मीन्स ऑफ वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के साथ ब्लड वेसल्स होगा, नर्व होगा, ठीक है, वेन्स होगा, कलेक्टिवली कॉल्ड एज स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, दैट मींस वास डिफरेंस प्लस इस वेसल्स नर्व्स एंड वेन्स टुगेदर कॉल्ड एज लिम्फेटिक्स कॉल्ड एज व्हाट? यस स्पर्मेटिक कॉर्ड। Now, जब ये डिसेंड हो जाता है तब ये इस पर ये जो आपका इंग्विनल कैनाल है ये गेट्स क्लोज्ड, ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये इंग्विनल कैनाल क्लोज हो जाता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये इंग्विनल कैनाल रिमेन ओपन, ये फिर भी ओपन रह जाता है। जब ये कुछ पेशेंट्स में ओपन रह जाएगा तो यहां से बोलो क्या होगा, ये किससे कनेक्टेड है? एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड है। ये किससे कनेक्टेड है बोलिए? एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड है। नाउ एब्डोमेन में क्या है? इंटेस्टाइन है।
एब्डोमेन में क्या है बोलिए, इंटेस्टाइन है, तो लूप ऑफ इंटेस्टाइन क्या होगा, स्क्रोटम में आ जाएगा। लूप ऑफ इंटेस्टाइन क्या होगा बोलिए, स्क्रोटम में आ जाएगा। दैट डिजीज इज कॉल्ड एज इंग्विनल हर्निया। सो लिख लीजिए यहां पे, व्हाट इज इंग्विनल हर्निया, इंग्विनल हर्निया क्या होगा, लूप ऑफ इंटेस्टाइन डिसेंड्स इनटू, लूप ऑफ इंटेस्टाइन डिसेंड इनटू स्क्रॉटम एंड दैट इज कॉल्ड एज इंग्विनल हर्निया। इसको सर्जरी करके ठीक करते हैं, जिसको हम लोग हर्नियोप्लास्टी बोलते हैं। जरा डायग्राम आप देख लीजिए, ये देखिए, नाउ ये देखें, ये आप देख रहे हैं क्या, यस स्क्रॉटम है एंड दिस इज द व्हाट डार्ट्रोज, और ये क्या सेप्टम स्क्रॉटी, और ये आप जो मसल्स देख रहे हैं यस क्रीमेस्टर है। जरा इस मसल को आप हटाइएगा, ये आप देखिएगा टेस्टिस है, और फिर यहां पे देख रहे हैं वास डिफरेंस है, वेन्स है, यस आर्टरी है, नर्व है, ये कलेक्टिवली टुगेदर कॉल्ड एज व्हाट स्पर्मेटिक कॉर्ड, टुगेदर कॉल्ड एज कलेक्टिवली स्पर्मेटिक कॉर्ड। ना ये स्पर्मेटिक कॉर्ड देखें कहां से पास हो रहा है, ये देखिए कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज इंग्विनल कैनाल। कुछ पेशेंट्स में ये ओपन रह जाता है, और क्या होगा जब ये ओपन हो जाएगा तो वो लूप ऑफ इंटेस्टाइन स्क्रोटम में आ जाएगा, पेट का कंटेंट स्क्रोटम में आ जाएगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इंग्विनल हर्निया। ओके नाउ तो स्क्रोटम हमारा यहां कंप्लीट हुआ, अगले क्लास में हम लोग देखते हैं टेस्टिस का एनाटॉमी।